नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कन्नौज शहर के अंतर्गत बुधवार की सुबह बैंक से रुपए निकालकर जा रहे युवक को अज्ञात टप्पे बाजू ने घेर लिया और उसे बातों में फंसाकर 50,000 की नकदी लूट ली। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, टप्पेबाज माल लेकर चंपत हो गए। पीड़ित ने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जुकैया निवासी राज ने कोतवाली में तहरीर दी है, जिसमें बताया है कि बुधवार की सुबह वह मोहल्ला अशोक नगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में रुपए निकालने गया था, जहां से वह 50,000 निकालकर बैंक के बाहर आया। तभी उसे अज्ञात टप्पे वालों ने घेर लिया और जनसेवा केंद्र का पता पूछने लगे। पता बताने के लिए पीड़ित जब उनके साथ कुछ दूर गया, इसी बीच उन लोगों ने नोटों का बंडल ले लिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उक्त टप्पेबाज उसे कागज थमाकर 50,000 की नकदी लेकर वहां से चंपत हो गए। वहीं पुलिस जांच पड़ताल के लिए पीड़ित को बैंक लाकर सीसीटीवी खंगाल रही है। सीसीटीवी में दो व्यक्ति कुछ पीड़ित के साथ दिख रहे। पुलिस उनकी शिनाख्त में जुट गई है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज।